नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के ओसाका में 28 जून से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत इस सम्मेलन में आतंकवाद, कालाधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और विश्व व्यापार संगठन में सुधार जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगा। भारतीय दल का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे। प्रभु ने कहा, इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा आतंकवाद और काला धन होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में गोगोई ने बढ़ते लंबित मुकदमों का जिक्र किया है। उनका कहना है कि अदालतों में कई सालों से हजारों मामले लंबित पड़े हैं, जिनके निपटारे के लिए जजों की संख्या बढ़नी चाहिए। और साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु सीमा को 62 साल से 65 साल तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ योग संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित योग शिविर को सबको संबोधित करते हुए कहा कि योग के सूत्रों को पकड़कर शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। पीएम मोदी के प्रयत्नों से वैश्विक मंच पर योग की परंपरा प्रतिष्ठित हुई है। दुनिया में योग की स्वीकार्यता भारत की 130 करोड़ जनता का सम्मान है। आज सीबीआई ने हथियार व्यापारी संजय भंडारी के दिल्ली में उनके ठिकानों पर रेड डाली है। सीबीआई ने इस मामले में कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इससे पहले भी संजय भंडारी की संपत्तियों पर रेड डाली जा चुकी है। सीबीआई ने भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों संजय भंडारी और स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह FIR पिलाटस एयरक्राफ्ट डील को लेकर दर्ज की गई है, जो UPA सरकार के कार्यकाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर परगना के भाटपारा शहर में स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार भाटपारा हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में जुटी हुई है। भाटपारा हिंसा के विरोध में कोलकाता में BJP के 3 सांसदों के दलों ने हिंसा के खिलाफ विरोध जताया। सांसद SS आलूवालिया के नेतृत्व में एक टीम आज कोलकाता पहुंची। टीम में उनके अलावा सांसद सत्यपाल सिंह और BD राम थे। BJP सांसद के दल ने TMC सरकार के खिलाफ मार्च भी किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के बोनियार में आज फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें, घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल एक्शन में है, लेकिन आतंकी भी बाज नहीं आ रहे हैं। 5 दिन पहले अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और एक जवान शहीद हो गया। दिल्ली के महरौली में देर रात दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक ट्यूशन टीचर ने अपने ही 3 मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी उपेंद्र शुक्ला लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। उसके बाद एक नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने पूरे परिवार की हत्या करने की बात कबूली। दक्षिणी पश्चिमी मानसून लंबे इंतजार के बाद बिहार में आ चुका है। मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में हुई। पूर्णिया के अलावा आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। अगले 72 घंटे में मानसून की बारिश पूरे प्रदेश में शुरू हो सकती है। चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री पर अड़ंगा बरकरार रखा है। चीन का कहना है कि भारत की एनर्जी में प्रवेश को लेकर तब तक चर्चा नहीं हो सकती, जब तक समूह में NPT के गैर सदस्य देशों की भागीदारी को लेकर स्पष्ट योजना तैयार नहीं की जाती। आपको बता दें कि 2016 में एनर्जी की सदस्यता के लिए भारत की अर्जी देने के बाद से चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि NPT पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही एनर्जी में प्रवेश की इजाज़त दी जानी चाहिए। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बड़ा झटका लगा है। FATF ने पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दी है। फ्लोरिडा में हुए FATF बैठक में पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक्टूबर 2019 तक की डेडलाइन दी गई है। इसी के साथ FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने टेरर फंडिंग और आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर कड़े कदम नहीं उठाए तो उसे अक्टूबर में ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बनी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पाकिस्तान को चेतावनी के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने FATF की पाकिस्तान को चेतावनी पर कहा, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान FATF के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुसार तय की गई समय सीमा के भीतर
पूरी तरह से एफएटीएफ एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करने वाले दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी की आज 27वीं जयंती है। इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर अमरीश पुरी के सिनेमा में योगदान को याद किया। अमरीश पुरी हिंदी सिनेमा के महान कलाकारों में गिने जाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 53 साल की उम्र में अपनी फिटनेस को बरकरार रखे हुए हैं। उनकी चुस्ती फुर्ती और फिजिक देखकर उनकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो किसी नौजवान की तरह पूल में बैक फ्लिप करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।